टिप सेवन of यूजिंग pandas लाइक अ प्रो जब भी हम कोई डेटा को स्लाइस करते हैं उसको एज अ डेटा फ्रेम न्यू डेटा फ्रेम यूज़ कर रहे होते हैं जैसे यहाँ पर मैंने वो स्कोर लिए हैं जो ग्रेटर दैन नाइन्टी है और उसको एक डेटा फ्रेम में मैंने स्टोर करा दिया जिसको मैंने स्मार्ट का नाम दिया और उसके अंदर मैंने अगर कोई भी चीज़ तब्दील करनी है तो इसको जब भी मैंने रन करना है तो मुझे एक एरर आएगा वो आएगा सेटिंग विद कापी वार्निंग ये क्यों आ रहा है क्योंकि जब भी मैंने इसमें कोई तब्दीली की है वो असल में उस स्लाइस के ऊपर तब्दीली होगी जो ओरिजिनल डाटा होगा तो इस चीज़ से बचने के लिए सिंपल हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए हम कॉपी एक कर लेना चाहिए वो हम जो स्लाइस कर रहे हैं उसको और इस तरीके से हम जो भी चीज़ तब्दील करेंगे वो हमारी ओरिजिनल डेटा पे होने की बजाय जो हमने स्लाइसिंग की हुई है उसी पर होगी